ये तो दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग मुंबई मुंबई में में अपने अपने सपने सपने पूरे पूरे करने करने आते आते हैं। हैं। इनमें इनमें से से कुछ कुछ लोगों लोगों के के सपने सपने पूरे पूरे हो हो जाते जाते हैं हैं और और कुछ कुछ के के दरे दरे के के दरे दरे रह रह जाते जाते हैं। हैं। यो यो लोग लोग कामयाबी कामयाबी हासिल हासिल करने करने के के लिए लिए दिन दिन रात रात मेहनत मेहनत करते करते हैं, हैं, उनके उनके सपने सपने तो तो पूरे पूरे हो हो जाते जाते हैं। हैं। और और यो यो लोग लोग सोचते सोचते हैं हैं कि कि बिन बिन काम काम किए किए बैठे बैठे बिठाए बिठाए हमें हमें सब सब कुछ कुछ हासिल हासिल हो हो जाए, जाए, आखिर आखिर वो वो वैसे वैसे के के वैसे वैसे ही ही रह रह जाते जाते हैं हैं और और उनके उनके सपने सपने पूरे पूरे नहीं नहीं हो हो सकते। सकते। आज आज हम हम एक एक ऐसी ऐसी एक्ट्रेस एक्ट्रेस की की बात बात करने करने जा जा रहे रहे हैं हैं जिन्होंने जिन्होंने अपने अपने सपनों सपनों की की दुनिया दुनिया को को सजाने सजाने के के लिए लिए बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा मेहनत मेहनत की की है, है, यहाँ यहाँ तक तक कि कि बहुत बहुत सारे सारे लोगों लोगों से से बातें बातें भी भी सुननी सुननी पड़ी पड़ी है, है, काफी काफी अमीर अमीर बाप बाप की की बेटी बेटी है है, फिर फिर भी भी उन्हें उन्हें बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा मेहनत मेहनत करनी करनी पड़ी पड़ी और और आए आए ही ही उन्हें उन्हें फिल्म फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री में में कदम कदम रखने रखने का का मौका मौका नहीं नहीं मिला। मिला। उन्होंने उन्होंने फिल्मी फिल्मी दुनिया दुनिया को को ज्वाइन ज्वाइन करने करने के के लिए लिए काफी काफी मेहनत मेहनत की, की, काफी काफी लोगों लोगों के के मिन्नतें मिन्नतें करनी करनी पड़ी पड़ी तब तब जाके जाके उन्हें उन्हें फिल्मी फिल्मी दुनिया दुनिया में में कदम कदम रखने रखने का का मौका मौका मिला। मिला। और और वो वो भी भी पहली पहली मूवी मूवी में में ही ही उन्हें उन्हें बहुत बहुत सारे सारे बोर्ड बोर्ड सीन सीन दिए दिए गए गए अगर अगर बोर्ड बोर्ड सीन सीन करेगी करेगी फेमस फेमस होगी होगी तो तो उन्हें उन्हें मजीद मजीद मूवीज मूवीज में में काम काम करने करने का का मौका मौका मिलेगा। मिलेगा। हाँ हाँ जी जी दोस्तों दोस्तों बात बात करते करते हैं हैं हम हम साउथ साउथ इंडियन इंडियन मोस्ट मोस्ट बिटिफुल बिटिफुल बोर्ड बोर्ड एक्ट्रेस एक्ट्रेस रॉयलक्ष्मी रॉयलक्ष्मी की, की, जो जो कि कि आपको आपको अभी अभी भी भी बिकनी बिकनी में में बहुत बहुत ही ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत बहुत ही ही ग्लैमरस ग्लैमरस नजर नजर आ आ रही रही है। है। रॉयलक्ष्मी रॉयलक्ष्मी ने ने ना ना सिर्फ सिर्फ गेटअप गेटअप ये ये अभी 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 चूज चूज किया किया बल्कि बल्कि फिल्म फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री में में कदम कदम रखते रखते ही ही इनको इनको ये ये गेटअप गेटअप करना करना पड़ा पड़ा था। था। अभी अभी तो तो जाकर जाकर रॉयलक्ष्मी रॉयलक्ष्मी सुपरस्टार सुपरस्टार एक्ट्रेस एक्ट्रेस बन बन पड़ी पड़ी और और आसमान आसमान की की बुलंदी बुलंदी पर पर पहुंच पहुंच गई। गई। रॉयलक्ष्मी रॉयलक्ष्मी के के फोटो फोटो शूट्स शूट्स की की आप आप लोगों लोगों को को कीमत कीमत बता बता दें दें कि कि इन्होंने इन्होंने 2 करोड़2 करोड़ लिया लिया है। है। बहुत बहुत ही ही महंगी महंगी एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, बहुत बहुत ही ही महंगी महंगी मॉडल मॉडल बन बन चुकी चुकी है है रॉयलक्ष्मी। रॉयलक्ष्मी। आजकल आजकल तो तो आसमान आसमान पारी पारी उड़ती उड़ती हुई हुई नजर नजर आ आ रही रही है। है। इनकी इनकी एक्टिंग एक्टिंग बहुत बहुत ही ही कमाल कमाल की की रही रही है। है। रॉयलक्ष्मी रॉयलक्ष्मी ने ने फिल्म फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री में में कदम कदम रखते रखते ही ही सभी सभी के के दिलों दिलों को को अपना अपना नहीं नहीं बनाया बनाया था था दोस्तों। दोस्तों इन्हें इन्हें बहुत बहुत सारे सारे बॉर्ड बॉर्ड सीन सीन करने करने पड़े पड़े तभी तभी जाके जाके इनकी इनकी ये ये ख्वाहिश ख्वाहिश पूरी पूरी हुई, हुई, अपने अपने सपनों सपनों को को पूरा पूरा कर कर सकी। सकी। रॉयलक्ष्मी रॉयलक्ष्मी का का कहना कहना है है कि कि मैं मैं बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा खुश खुश हूँ, हूँ, अगर अगर मेरे मेरे जो जो बचपन बचपन से से सपने सपने थे थे कि कि मैं मैं एक एक खूबसूरत खूबसूरत कामयाब कामयाब एक्ट्रेस एक्ट्रेस बनूंगी बनूंगी वो वो पूरे पूरे हो हो चुके चुके हैं। हैं। अब अब मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी में में कोई कोई भी भी मुश्किल मुश्किल नहीं नहीं है है दोस्तों। दोस्तों वीडियो वीडियो अच्छी अच्छी लगे लगे तो तो शेयर शेयर लाइक लाइक कीजिएगा, कीजिएगा, चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब